फ्रेंड्स, वेज विलेज रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेसिपी मशरूम के स्नैक्स की, या फिर मशरूम के जो पकौड़े होते हैं शादियों में जैसे हम खाते हैं वही स्टाइल में हम घर पे बनाने वाले हैं। ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, जो मशरूम नहीं भी खाता है वो भी इस तरह के स्नैक्स को बड़ा खुश होकर खाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। मशरूम के स्नैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कटे हुए प्याज, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और स्प्रिंग ऑनियन की एक लट, और साथ ही हमें चाहिए होगी 250 ग्राम मशरूम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गर्म पानी ले लिया है। गर्म पानी में हमने मशरूम में इनको अच्छी तरह से धो लेना है, अच्छी तरह से हमने गर्म पानी में डिप करके रखना है ताकि इसकी सारी डस्ट है, सारी की सारी डस्ट है वो निकल जाए। जब तक मशरूम में थोड़े सॉफ्ट होते हैं तब तक हमने गार्लिक, प्याज, 2 हरी मिर्च, अदरक, एक पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से ये पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। तो एक नॉन स्टिक पैन लेंगे हम, इसको गैस पे रखेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम मसाला। इसको तेल छोड़ने तक हमने भूनना है। तो मशरूम हमने निकाल लिए हैं, इसका जो डंठल वाला पार्ट है ये हमने अलग कर देना है। इस तरह से इसको खाली कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से होल कर लेंगे। तो मसाला है बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, अब इसमें हमने डालना है नमक, स्वाद के अनुसार नमक, फिर डालेंगे थोड़ा सा पनीर ताकि स्टफिंग है बहुत ही टेस्टी लगे हमें। तो इस तरह से आप पनीर भी डाल सकते हो, आप चीज़ भी डाल सकते हो। तो इस तरह से स्टफिंग है हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम मशरूम को तलने की तैयारी करते हैं। बाउल लेंगे, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के ले लेने हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि इसका एक स्लरी बन जाए जिसमें हम डिप करेंगे अपने मशरूम्स को। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए फ्रेंड्स। दो ब्रेड लेंगे, इसका हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं मिक्सी में चला के। तो ब्रेड को मैंने मिक्सी में चला लिया है और इसके ब्रेड क्रम है वो रेडी हो चुके हैं बन के इस तरह से बिल्कुल। तो चलिए स्टफिंग शुरू करते हैं। इस स्टफिंग को हमने थोड़ी थोड़ी करके बीच में भर लेना है। तो स्टफिंग है सारी
हमने मशरूम में कर ली है, बिल्कुल अच्छी तरह से स्टफिंग हमारी भर चुके हैं हम। तो मशरूम को हम इस स्लरी में डालेंगे इस तरह से। अब इसको डालेंगे ब्रेड क्रम में। अब इसको निकाल लेंगे हम। अब एक एक करके इसको हमने गरम तेल में डाल देना है। आंच फ्रेंड्स हमने धीमी रखनी है और इसको पलट देना है। ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी। तो अब इनकी कर लेंगे प्लेटिंग। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी है जो मशरूम के स्नैक्स है वो रेडी हो चुके हैं। इसको हमने ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर देना है। बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल वेज विलेज रेसिपी।